नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। आज की इस वीडियो में जानेंगे 10 जनवरी 2020 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। हम जानेंगे 10 जनवरी 2020 में लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक का समय क्या होगा और ये चंद्र ग्रहण कहाँ का दिखाई देगा। साथ ही हम जानेंगे इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और किन नियमों को अपना कर गर्भवती महिलाएं अपना खाना पीना और सोना कंटिन्यू कर सकती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 10 जनवरी 2020 में लगने वाला चंद्र ग्रहण साल का पहला चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी 10 जनवरी की रात 10:37 पर और समाप्ति होगी 11 जनवरी की रात 2:42 पर। यानी कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत भी रात में होगी, समाप्ति भी रात में ही होगी। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक कितने बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक हमेशा चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले लगता है। इस हिसाब से चंद्र ग्रहण का सूतक 10 जनवरी को दोपहर में 1:39 पे लग जाएगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य होंगे। अब जानते हैं इस चंद्र ग्रहण का असर कौन कौन से देशों पर पड़ेगा और यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ नजर आएगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। अक्सर ग्रहण का नाम सुनते ही गर्भवती महिलाएं काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण काल का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है। इसलिए सूतक से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में कुछ नियम माने गए हैं। शास्त्रों की और बड़े बुजुर्गों की माने तो ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को ना ही खाना खाना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए। यूरिन पास करने नहीं जाना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, किसी भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कढ़ाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को काटने का काम नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हाथ पैर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और ना ही घर से बाहर निकलना चाहिए। कई कई जगहों पर तो ये भी कहा जाता है, ये जो नियम गर्भवती महिला के लिए मान्य है, ये सारे नियम उनके पति के लिए भी मान्य होते हैं। और कई जगहों पर तो ये भी कहा जाता है ग्रहण के सारे नियमों को सूतक काल के दौरान से ही मानना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहण के नियम सिर्फ ग्रहण काल में ही मान्य होते हैं। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर जा सकती है, खाना पीना कर सकती है, बना सकती है, सो सकती है, यानी कि कुल मिलाकर के सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाएं सारे काम कर सकती है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को बस एक काम नहीं करना चाहिए, वो है मंदिर की साफ सफाई या फिर पूजा पाठ। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं बाकी का सारा काम कर सकती है। इसके अलावा यह बात भी बिल्कुल गलत है कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को जो नियम मान्य होते हैं वही उनके पति को भी मान्य होते हैं। विज्ञान की माने तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकला है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान सो जाती है, खाना बना लेती है, ये किसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल कर लेती है, श्रृंगार कर लेती है, इससे उन्हें या उनके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का कोई असर होता है। उनका मानना है कि ग्रहण के दौरान चाहे वे चंद्र ग्रहण हो चाहे वे सूर्य ग्रहण, कुछ ऐसी नकारात्मक किरणें वातावरण के चारों तरफ फैल जाती है जो वातावरण के साथ साथ मानव जीवन को भी प्रभावित करती है। ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ इतना ज्यादा फैली होती है कि हो सकता है कि उसका प्रभाव अगर गर्भवती महिला हो या कोई भी हो तो खाना खा लेती है तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें वॉमिटिंग आ सकती है, पेट दर्द या और कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं या किसी को भी खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है। किसी की प्रेगनेंसी बहुत दिनों के बाद कंसीव हुई होती है या बहुत बार मिसकैरेज होने के बाद कंसीव हुई होती है, तो ऐसे में उन्हें समय समय पर दवा और अपना खाना पानी कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सी प्रेगनेंसी हाई रिस्क वाली होती है जिसमें डॉक्टर पूरी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन को बेड रेस्ट लिख देते हैं और फिर उन्हें भी अपनी दवा कंटिन्यू रखनी होती है। इस बीच अगर ग्रहण आ जाए तो गर्भवती महिलाएं काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि वे अपनी दवा और खाने को कंटिन्यू कैसे करेंगी। अगर वो दवा और खाना टाइम पर नहीं लेगी तो उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि एकदम सच है। तो इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए गर्भवती महिलाएं कुछ नियमों को मानकर अपना खाना पानी कंटिन्यू कर सकती हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा नियम है। उन्हें करना यह होता है कि वह ग्रहण काल के दौरान जो भी खाना खाएंगे, जो भी पानी पिएंगे, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी का पत्ता एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल तत्व से भरपूर होता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पत्ता डालने से खाना शुद्ध रहता है और जब वह खाती है तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके फ्रेंड, 10 जनवरी 2020 में पड़ने वाले ग्रहण की अवधि रात को 10:37 से शुरू होगी और देर रात तक लोग सर्दी के मौसम में खा पी रहे होंगे। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को टेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अगर बात करें देर रात तक जगने की, सर्दियों के मौसम में देर रात तक जगना, भजन करना या फिर अपने रूम में टहलना गर्भवती महिलाओं को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ऐसे में अगर गर्भवती महिलाएं अगर रात को सोना चाहती है तो वो बुजुर्गों के बनाए गए नियमों का पालन करके वह सो सकती है। और वो नियम है कि उन्हें अपने सर से पैर तक एक लंबा धागा नाप कर अपने कमरे के किसी कोने में बांध देना है, उसके बाद वह अपने आप आराम से सो सकती है, हाथ पैर मोड़कर बैठ सकती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से गर्भवती महिलाएं सो जाती है या हाथ पैर मोड़कर बैठते तो इससे ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ना पड़ के कमरे में बांधे गए धागे पर पड़ता है। और इसलिए गर्भवती महिलाओं को सुबह उठकर उस धागे को पानी में विसर्जन कर देना चाहिए या फिर अपने घर से कहीं दूर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को चाहिए कि वह सूतक काल से पहले ही हो सके तो कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ ले और अपने कमरे में रखे। तुलसी के पत्ते अपने कमरे में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बहुत ही कम होता है। इसके अलावा अगर आपके पास तुलसी का पत्ता ना हो तो आप अपने पास एक नारियल रख सकते हैं। नारियल भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करने में काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन फिर सुबह ग्रहण खत्म होने के बाद नारियल या फिर तुलसी पत्ता जो आपने अपने कमरे में रखा है उसे आपको अपने घर से कहीं दूर रख देना चाहिए या फिर पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ये सब नियम आपको जरूर मानने चाहिए। वो ये है कि सूतक काल के दौरान वह कोई भी शुभ कार्य ना करे, मंदिर की साफ सफाई ना करे, पूजा पाठ ना करे और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकले, ग्रहण की परछाई अपने ऊपर ना पड़ने दे, ग्रहण को ना देखे। गर्भवती महिलाओं पर डिपेंड करता है कि वह ग्रहण के दौरान किस नियमों को मानना चाहती है और किसे नहीं। और ग्रहण पर पूरी श्रद्धा भाव रखती है तो वह ग्रहण के नियमों को भी मान सकती है लेकिन अपने प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ग्रहण के प्रभाव से तो गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन गर्भवती महिलाएं जो इसकी वजह से खाना पानी छोड़ देती हैं, दवाइयां छोड़ देती हैं, वह अपने बच्चे को नुकसान भी पहुंचवा सकती है। गर्भवती महिलाएं इतनी ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड होती है कि उनका कमेंट्स भी आता है कि विदेशों में भी ग्रहण लगते हैं, वहां तो हम इतना कुछ नहीं मानते हैं। तो दोस्तों आप भी थोड़ा ओपन माइंडेड होइए और ग्रहण को थोड़ा ऐसे ही लीजिए, वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती और वहाँ के बच्चे एकदम स्वस्थ होते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने आप को पॉजिटिव माइंडेड रखिए, कुछ सावधानियाँ रखकर अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।